पे चलना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन, आई एम आल्सो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। दिस इज क्लास 9, आवर सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। वी आर स्टडिंग यूनिट नंबर 8, न्यूट्रिशन, एंड टुडे आवर टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो वाटर है उसके हमारी लाइफ में क्या रोल है, किस तरह से वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और उसकी जो डेफिशिएंसी है उससे हमारी बॉडी की इन एबनॉर्मेलिटीज़ का शिकार हो सकती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि डाइटरी फाइबर क्या है, ये हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसके हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और इसकी भी डेफिशिएंसी से हमारा बॉडी इन एबनॉर्मेलिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन आवर लाइफ? अप्रोक्सीमेटली 60% of the adult human body is composed of water. तो हम ह्यूमन अडल्ट का कितने परसेंट वाटर से मिलकर बना है? 60%। ये आपने वैल्यू याद रखनी है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एन एक्वस इन्वायरमेंट। जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं हमारी बॉडी में, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनके लिए कौन सा सोल्यूशन चाहिए? एक्वस सोल्यूशन चाहिए, यानी कि हमें पानी की ज़रूरत होगी। वाटर आल्सो फंक्शन एज ए इन्वायरमेंट इन विच वाटर सोलबल फूड स्टफ इज एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन एंड वॉइस्ट प्रोड्यूस आर एलिमिनेटेड थ्रू द यूरिन। तो क्या हो सकता है कि फूड सोलबल जो स्टफ होता है वो वाटर के अंदर ही, इंटेस्टाइन में वाटर के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है, और यूरिन के तौर पर इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है अननेसेसरी वेस्ट को। Another essential role of water is to maintain body temperature through evaporation or as in sweating. तो water का जो एक और most important function है, ये क्या करता है? Body का temperature को maintain करता है। कैसे? हम गर्मियों में जब भी हमने ये feel किया है कि जब भी हमें पसीना आता है तो हमें थोड़ी सी ठंडक फील होती है, तो वो क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि जब भी हमारी बॉडी में से जो वाटर है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज होता है, तो जो है वो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये कब होता है? स्वेटिंग में। सीवियर डिहाइड्रेशन में रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। अब अगर इसकी कमी हो जाए बॉडी में, अगर पानी की कमी हो जाए बॉडी में, तो इससे क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब है शदीद कमी हो जाए पानी की, तो इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती हैं, दिल की बीमारियाँ जो हैं वो हो सकती हैं। The estimated water requirement of an average adult is 2 liters per day. तो पानी की कितनी requirement है? Estimated average requirement एक human के लिए 2 liters per day. 2 liters per day. तो ये figure आपने MCQs के point of view से याद रखनी है। इसके अलावा पानी के sources कौन कौन से हैं? Natural water, milk, juicy fruits and vegetables. और सादा पानी के अलावा हम बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनसे भी पानी को अपनी डेली लाइफ में लेते हैं। तो ये जो हैं डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हम पानी को डेली लाइफ में लेते हैं। सो नेक्स्ट इज़ डाइटरी फाइबर्स। अब देखते हैं कि डाइटरी फाइबर क्या है और इससे क्या रोल है हमारी बॉडी में। डाइटरी फाइबर, इट इज़ आल्सो नोन एज रफेज। इसको क्या कहते हैं? इसको रफेज भी कहा जाता है। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि डाइटरी फाइबर इज़ आल्सो नोन एज, डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएँ, तो आपने रफेज पे क्लिक करना है। डाइटरी फाइबर को रफेज भी कहते हैं। इट इज़ पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज़ इनडाइजेस्टिबल। तो फाइबर के बारे में आपने ये चीज़ अच्छी तरह से याद रखनी है कि ये डाइजेस्ट नहीं होता। जो फाइबर है ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ डाइजेस्ट करने में फूड को हेल्प करता है, लेकिन बजाते खुद ये डाइजेस्ट नहीं होता। इट इज़ इनडाइजेस्टेबल। इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट फूड्स। और ये कहाँ पाया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। जो डाइटरी फाइबर है ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड थ्रू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू कोलन। तो ये डाइजेस्ट हुए बगैर ही स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से फिर ये कोलन में चला जाता है। जो कोलन है वो भी इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो जो डाइटरी फाइबर है ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये सिर्फ डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से कोलन में चला जाता है। द इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्विकली मूव करता है।
इसके हम सोर्सेज क्या हैं, व्हीट ब्रैन आटे का जो छान होता है, सीरियल्स अनाज होते हैं एंड स्किन्स ऑफ मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और बहुत से फ्रूट सब्जियां और फल हैं उनके ये ऊपर से जो छिलका उतारा जाता है उसमें पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एप्पल है, उसके भी स्किन में ये पाया जाता है। इस तरह बहुत सी वेजिटेबल्स हैं उनकी स्किन में भी पाया जाता है। तो हम अमूमन क्या करते हैं, वो छिलका उतार के फेंक देते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं किसी भी सब्जी या फ्रूट का। तो आप कोशिश करें कि छिलके समेत ही खाएँ उसको, ताकि आप उसका जो फाइबर है उसके भी फ़ायदे उठा सकें। द सोल्यूबल डाइट्री फाइबर ब्रेक्स डाउन एज इट पासेस थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। अब डाइट्री फाइबर की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं सोल्यूबल डाइट्री फाइबर। तो इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये सोल्यूबल है, ये हल हो सकता है। तो जब ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, खुराकी नाली है। तो जब सोल्यूबल डाइट्री फाइबर खुराकी नाली या एलिमेंट्री कैनाल में से गुजरता है तो वहाँ पर इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ओट बीन्स बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो ज्वार फलियां फल और सब्जियां, ये इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। अब देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं। फाइबर प्रिवेंट्स एंड रिलीज कॉन्स्टिपेशन। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। जो फाइबर है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं। कैसे, बस स्टिमुलेटिंग द कंट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टिनल मसल्स। हमारे जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं उनमें ये कंट्रैक्शंस लहरें प्रोड्यूस करते हैं। वो लहरें क्या करती हैं, जो फुजला होता है उनके अंदर उसको बार बार मूव करके उसको वो जो है वो सॉफ्ट कर देती हैं, उसको सॉलिड नहीं रहने देती हैं। क्योंकि जब कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगे फाइबर्स की वजह से, वो बार बार जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो मूव करेंगी, तो जो वो फुजला होगा या वेस्ट होगा वो क्या होगा, वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अवॉइडिंग कॉन्स्टिपेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मैनी अदर डिजीजेस। अब अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो बहुत सी दूसरी बीमारियों का खतरा भी जो है वो कम हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो कब्ज़ है वो तमाम बीमारियों की जड़ है, तो जब कॉन्स्टिपेशन उसको ही कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत सी दूसरी बीमारियों का जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। सोल्यूबल फाइबर्स हेल्प्स इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल्स। तो इसके हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये ब्लड शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। इन सोल्यूबल फाइबर्स स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेंस। इन सोल्यूबल फाइबर्स का क्या रोल है कि ये जो कार्सिनोजेंस कहते हैं कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। कार्सिनोजेंस क्या हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, तो उनके बॉडी में रिमूवल में हेल्प करता है और इस प्रोसेस को वो स्पीड अप करता है। यानी कि इन सोल्यूबल फाइबर का ये रोल है कि हमारे बॉडी में जो कार्सिनोजेंस है इनको रिमूव करता है और इस प्रोसेस को ये स्पीड अप करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। सो दिस वाज अबाउट द रोल ऑफ वाटर इन डाइट्री फाइबर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन अगेन आस्क मी। थैंक्स एंड टेक केयर। हवा में उड़ना है, पानी पे चलना है।